बैम्बू क्रश्ड शुगर केन जूस। दंगल नाम का एक गांव था। वो गांव गन्नों के लिए और गन्ने के जूस के लिए बहुत मशहूर था। दंगल का जमींदार गन्ने उगाने वाले किसानों को ज्यादा मुनाफा मिलने के लिए गन्ने के मशीन को बहुत कम पैसे लेकर भाड़े में देता था। किसान उस मशीन को भाड़े पे लेकर उसे जूस निकालकर बहुत पैसे कमाते थे। थोड़े दिनों के बाद जमींदार का देहांत होने के कारण उसके घर की जिम्मेदारी जमींदार की पत्नी सुनीता को उठाना पड़ा। सुनीता की मदद के लिए उसका भाई कल्याण उसके साथ रहता था। एक बार एक किसान जमींदार के घर आकर कल्याण से, बेटा इस साल गन्ने का फसल बहुत अच्छे से उगा है, हरदम के जैसे ही इस साल भी। हमें गन्ने का मशीन भाड़े में देंगे क्या, ये पूछने के लिए आया हूँ। देखे वक्त बदल गया है, हम पहले के जैसे मशीन को कम दाम पे भाड़े में नहीं दे सकते। एक दिन के लिए 1000 रुपए देना होगा। क्या 1000 रुपए? उतना भाड़ा हम नहीं दे सकते जी, हमें मुनाफा भी नहीं मिलेगा। ए पसंद है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। सच है जी, वक्त बदल गया है, कहकर वहाँ से चला गया। ये देखकर सुनीता, क्यों रे भाई, ऐसे एकदम से बाड़ा बाड़ा दिए तो वो लोग कैसे जिएंगे? आप चुप बैठिए दीदी, आपको कारोबार कैसे करते हैं बिल्कुल नहीं पता। ये उनकी जरूरत है, उनके जरूरत को कैश करना ही हमारा काम है। रे तुम्हारे जीजा जी उन्हें बहुत कम पैसों में मशीन भाड़े पे देते थे, किसानों की भलाई के लिए ही वो हरदम सोचते थे, उनके वजह से गांव भी आगे बढ़ेगा, यूँ कहते थे। दीदी आपकी संपत्ति की कीमत 100 करोड़ है, उसे 200 करोड़ का नहीं बनाए तो जीजा जी का एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। बोलिए इस बारे में आप कुछ बात मत करिए। अगले दिन सारे किसान चौपाल के पास समावेश हुए। ऐसे एकदम से दाम बढ़ा दिए तो हम कैसे जिएंगे, हमारे फसल को काटने का समय भी आ गया है, कहकर दुखी हो रहा था। किसानों को क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुधीर नाम का एक किसान वहां पर आकर, मेरे किसान भाइयों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वो मशीन तैयार करूंगा। सुधीर तुम मशीन तैयार कर पाओगे क्या, वो कैसे? मैं बांस के लकड़ियों की मदद से उस मशीन को तैयार करूंगा। मगर मशीन को चलाने के लिए मोटर जरूरत पड़ेगी ना, वो कैसे करोगे? वो तो सच है, ठीक है मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, कहकर वहां से चला गया। अगले दिन सुधीर बांस के पेड़ को काटकर उन्हें नदी के किनारे लाकर बहुत मेहनत करके उस मशीन को तैयार किया। नदी के प्रवाह के अनुकूल उसे रखने के कारण वो मशीन अच्छे से चलने लगा। सुधीर 2 गन्नों को उस मशीन में लगाते ही गन्ने का जूस तैयार हुआ। उसे देखकर सारे गांव वाले तालियां मारने लगे। बाद में गांव के सारे किसान मिलकर जमींदार के घर के पास जाकर, आपने आपके मशीन को हमें नहीं देने के कारण हमें अच्छा ही हुआ, नहीं तो हम खुद अपना मशीन तैयार नहीं कर पाते, अब से हमें आपके मशीन की जरूरत नहीं है, कहकर वहां से चले गए। जमींदार की पत्नी उनके बातें सुनकर अपने भाई कल्याण से, रे निकम्मे तुम हमारे नाम और प्रतिष्ठा को खराब कर रहे हो, जाओ यहाँ से, कहकर कल्याण को घर से निकाल दी। मिनी क्ले ब्रिज कंस्ट्रक्शन। जैसल नाम का एक गांव में राघवा नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर रहता था। उसके बेटे का नाम विकी था और वो इंजीनियरिंग में पढ़ता था। एक दिन विकी कॉलेज जाते वक्त राघवा ने पूछा, क्या रे एग्जाम अच्छे से हुआ है ना? ठीक है एग्जाम होने के बाद मेरे कंपनी में आके अप्रेंटिस के जैसे ज्वाइन हो जाना। उसी वक्त विकी की माँ रितु वहाँ आकर बोली, क्या इतने बड़े कंपनी के मालिक होके आपके कंपनी में आफ्टर ऑल अप्रेंटिस में ज्वाइन होगा? मेरा बेटा आपको कैसा दिख रहा है जी? हेलो इंजीनियर जैसे ही दिख रहा है, जितना महान होने से भी किसी ना किसी के पास सीखना तो पड़ेगा ना। फिर रितु, मेरा बेटा ऐसा काम करेगा तो मैं नहीं सुनूंगी जी, मेरा बेटा तो डायरेक्ट इंजीनियर ही बनेगा बस। माँ तुम उदास मत होना माँ, मैं भी तुम्हारे पसंद से डायरेक्ट इंजीनियर ही बनूंगा, हमारे कंपनी में नहीं तो दूसरे कंपनी में ज्वाइन हो जाऊंगा। अरे ये सब क्या,
तुझे डायरेक्ट इंजीनियर बनने का सपना है ना, तो तुझे एक टास्क देता हूँ। गांव के आखिरी रास्ते में एक घर है, उस जगह में हमने मिट्टी के खिलौने बनाए थे। ईश्वर को अच्छे से पता है, तुम दोनों मिलके वहाँ जाओ और वहाँ जाके तुम मिनी क्ले ब्रिज बनाकर दिखाओ। तुम सक्सेस हो गए तो तुम्हारे बारे में मैं सोचूंगा। पापा, आफ्टर ऑल आप मुझे एक मिनी क्ले ब्रिज बनाने के लिए बोल के मेरा अपमान कर रहे हो। ठीक है, आपके खुशी के लिए मैं वो क्ले ब्रिज बनाकर दिखाऊंगा। दूसरे दिन मिट्टी का खिलौना बनाने वाले ईश्वर के साथ पिताजी के कहे हुए जगह को चला गया। जाके विकी ने ईश्वर से कहा, अरे ईश्वर, इधर एक अच्छा सा ब्रिज बनाओ, तुझे तो अच्छे से ब्रिज बनाना आता है ना। आफ्टर ऑल ये मिट्टी का ब्रिज मैं क्यों बनाऊंगा, मैं कुछ देर रिलैक्स करता हूँ। विकी रिलैक्स होते वक्त ईश्वर ने मिट्टी में एक मिनी क्ले ब्रिज बनाया। तभी विकी उठ के बोला, अरे वाह, मस्त बनाया है रे तूने, तू भी सर्टिफिकेट लेके इंजीनियर बन जा। चल घर चल, मैं मेरे पापा को लेकर आऊंगा, कल से मैं एक डायरेक्ट इंजीनियर हूँ। ऐसा कहकर चला गया। उधर जाने के बाद छोटू मोटू नाम के दो लिलीपुट आए। अरे इधर ये गधा कौन है, हमारे रास्ते के बीच में ब्रिज बनाया, उसको तोड़ के फेंक दूंगा। अरे भैया, इस छोटे से ब्रिज को तोड़ने के लिए दोनों की क्या जरूरत, मैं अकेला ही काफी हूँ। ऐसा बोल के धकेल दिया, वो ब्रिज टूट गया। कुछ समय बाद विकी, ईश्वर, राघवा उस ब्रिज के पास आए। वो टूटा हुआ ब्रिज देख के, यही है ना वो ब्रिज जो तुमने बनाया, और इसे दिखाने के लिए तुम इतना महान बनते थे। सर, मैंने तो अच्छे से बनाया था, लेकिन कोई जानबूझ के तोड़ दिया। तूने ब्रिज बनाया तो फिर इसने क्या बनाया? उस वक्त मोटू नाम का लिलीपुट आया और कहा, ये तो अच्छे से सो गया था। अरे छोटू से आदमी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा ब्रिज तोड़ा, तुझे मैं उठा के फेंक दूंगा। हेलो, तूने इनके रास्ते में ब्रिज बनाया तो वो तोड़ेंगे नहीं क्या, मुझे तेरा टैलेंट पता है, इसीलिए इधर बनाने के लिए भेजा था। एक इंजीनियर बनने के लिए तापी मिस्त्री जैसे काम करने के लिए मैंने नहीं कहा था, पास में बैठ के काम करना चाहिए था। बिना आयरन के ब्रिज कैसे बनाता, जब तुमने मिट्टी के खिलौने बनाने वाले से ब्रिज बनाने को कहा है, तभी से तू मेरे नजर में फेल हो गया था। तेरे से अच्छा तो वो लिलीपुट वाले ब्रिज बनाते हैं। पापा, मैं थोड़ी देर के लिए सो क्या गया था, इसलिए इतना सुना रहे हो, ये सही नहीं है। मैं इतना पढ़ाई करके भी आप मुझे इन छोटे मोटे लोगों के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो? दम है तो ब्रिज बनाने के लिए बोलिए, एक बार में तोड़ दूंगा। हेलो सर, वी आर आल्सो इंजीनियरिंग दिस लिलीपुट वर्ल्ड, खबरदार, आप और मैं क्ले ब्रिज बनाएंगे, कौन जीतेगा देखते हैं। अच्छा निर्णय है, दोनों में से कौन महान है पता चलेगा। फिर लिलीपुट्स और विकी ब्रिज बनाना शुरू किए और कुछ समय बाद दोनों क्ले ब्रिज बना दिए। फिर राघवा उनको देखकर कहा, दोनों का क्ले ब्रिज देखने के लिए अच्छा तो है, लेकिन किसका ज्यादा मजबूत है देखते हैं। कहकर दोनों ब्रिज को मार के देखा, फिर विकी का ब्रिज तो ऐसे ही गिर गया। लेकिन लिलीपुट का ब्रिज बहुत मजबूत था। वेरी गुड लिलीपुट्स, ये मजबूत ब्रिज बनाने के लिए नहीं, ये तो तुमने शानदार इंजीनियरिंग वाला टैलेंट दिखाया है, मेरे बेटे को भी ऐसा ही टैलेंट सिखाओ। पापा, मैं इनसे क्यों सीखूंगा, मुझे आप अपमानित कर रहे हो। तुम्हें इतना फील होने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं तो छोटू मोटू के पिताजी से ही काम सीखा था, उसलिए यहाँ तुझे भेजा, समझ में आया। ये लोग जब तक तुम्हें इंजीनियरिंग सिखा नहीं देते, तब तक तुम्हें मैं कंपनी में एंट्री नहीं दूंगा। ऐसा कहकर चला गया। उसके बाद बहुत सोच के विकी और लिलीपुट सब अच्छे दोस्त बन गए और विकी उनसे इंजीनियरिंग स्किल्स अच्छे से सीखने लगा। मैजिकल बैम्बू ऑटो। एक गांव में रोहित कहकर एक छोटा बच्चा स्कूल छोड़कर उनका पिता बैम्बू से खिलौना तैयार कर रहा था, तो उसे यूं ही देखता रह गया। अरे स्कूल छोड़कर इधर क्या कर रहे हो, कहकर डांटा। अरे बाबा, स्कूल में क्या सीखना है, सबके पास कोई ना कोई कला होनी चाहिए, इसीलिए तुम्हारे पास जो कला है वो सीखने के लिए तुम्हें देख रहा हूँ। अरे वाह, बड़े बड़े बातें कर रहे हो, ठीक है आ जाओ सीखो, कहकर रोहित को उनका पिता बैम्बू के लकड़ियों से खिलौने बनाना सिखाया। कुछ दिनों के बाद रोहित पिता के पास आकर, बाबा और कितने दिन आप ये छोटे छोटे खिलौने तैयार करते रहोगे, हम दोनों मिलके एक बड़ा सा खिलौना बनाते हैं ना। मुझे भी वही मन में है, लेकिन सही जोड़ा काम वाला नहीं मिला था, इसलिए इधर ही रुक गया। अब तुम बोला है ना, दोनों मिलकर बनाएंगे, चलो, कहकर दोनों मिलकर एक बड़ा बैम्बू ऑटो को तैयार किए। अगले दिन रोहित और पिता उस बैम्बू ऑटो में चढ़कर गांव में पूरा घूमने लगे।
बहुत खुशी हो रही है बाबा, अपने मेहनत से बनाए इस ऑटो में जाते हुए कितना अच्छा लग रहा है ना बाबा। अब देखो इससे हम व्यापार भी करेंगे। कहकर एक ऑटो स्टैंड के पास जाकर पिता, आइए बाबू आइए, एक नया सा ऑटो, बैम्बू ऑटो, चढ़िए बाबू और मजे लीजिए, कहकर पुकारने लगा। बगल में ऑटो वाले अरे देखो बाप बेटे दोनों मिलकर एक बैम्बू ऑटो को तैयार करके व्यापार करने के लिए देख रहे हैं, कहकर मजाक उड़ाकर हंसने लगे। उनका बातें सुनकर पिता और रोहित दुखी होने लगे। गांव में भी सब लोग उस बैम्बू ऑटो में चढ़ने के लिए डर रहे थे। एक बार एक स्वामी जी उस ऑटो स्टैंड में आकर एक ऑटो वाले से, स्वामी जी बाबू मुझे मंदिर तक छोड़ सकते हो क्या? 100 रुपए देंगे तो छोड़ता हूँ स्वामी। पैसे मेरे पास कहाँ से रहते हैं बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। क्या वो आशीर्वाद तुम्हारे पास ही रखना स्वामी जी, जाओ जाओ, पैसे नहीं है कहता है, पैसे नहीं है। बगल में रोहित उनका बात सुनकर, रोहित स्वामी जी मेरे गाड़ी में बैठिए, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ, कहकर स्वामी जी को ऑटो पर चढ़ाकर मंदिर के पास छोड़ा। बहुत धन्यवाद बाबू, इस जमाने में भी तुम जैसे लोग रहना बहुत सौभाग्य है। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ स्वामी जी, इन 3 महीनों में कोई भी मेरे ऑटो में नहीं चढ़ा, मेरे पहले कस्टमर बन के मेरे ऑटो में चढ़े, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। 3 महीनों से व्यापार नहीं हो रहा है, लेकिन क्यों? तब रोहित उनका बैम्बू ऑटो में चढ़ने के लिए बहुत लोग डर रहे हैं क्योंकि वो टूट जाएगा कहकर सब में डर है, और दूसरा ऑटो वाले मजाक उड़ाने के वजह से चढ़ने के लिए बहुत शर्म हो रहे हैं। ओ तो ये बात है, तुम चिंता मत करो बेटा, जल्दी ही सब लोगों को तुम्हारे ऑटो का महानता के बारे में पता चलेगा। कुछ दिनों के बाद एक बड़ा तूफान आने की वजह से बाढ़ आकर उस गांव पूरा डूब गया। गांव वाले उनके घर के छत पर चढ़कर बचाइए बचाइए कहकर चिल्लाने लगे। इतने में बैम्बू ऑटो पानी में तैरते हुए दिखाई दिया। रोहित और उनका पिता ऑटो में जाकर खतरे में रहने वालों को उनका ऑटो में चढ़ाकर एक सुरक्षित जगह पर छोड़ने लगे। ऐसे सब गांव वालों को ऑटो में चढ़ाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर उनका जान बचाए। तब सब गांव वाले उस बैम्बू ऑटो का महानता के बारे में जान गए। प्लास्टिक किचन टॉयज खिलौना वाला। गद्वाल नाम के गांव में धर्मा नाम का व्यक्ति प्लास्टिक के खिलौने तैयार करने वाले कंपनी को चलाता था। एक दिन उसके पास काम करने वाले वरुण से धर्मा, क्या वरुण, सुना है कि बहुत दिनों से मुझसे मिलने के लिए मैनेजर से पूछ रहे हो, क्या बात है? हाँ सर, हम बहुत सारा प्लास्टिक बाहर से खरीद रहे हैं ना, अगर हम रिसाइकल प्लास्टिक खरीदे तो हमें बहुत पैसे बचेंगे ना, नहीं पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा होगा ना सर। देखो वरुण, असल में पहली बार प्लास्टिक को तैयार करने वाले का उद्देश्य क्या था तुम्हें पता है क्या? पेपर और बोरियां तैयार करने के लिए लोग बहुत सारे पेड़ काट रहे हैं कहकर दुखी होकर उसने पेट्रोल से प्लास्टिक का आविष्कार किया, मगर लोग उस प्लास्टिक को धीरे धीरे पतला करते हुए उसे जहां तहां फेंक कर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। मैं ये तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ, हम जितने भी अच्छे उद्देश्य से काम शुरू क्यों ना करें, मगर उस काम को बिगाड़ने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं, इसीलिए तुम लोगों के भलाई के बारे में सोचना बंद करो। सर धर्म सर, मेरे आइडिया को उतना हल्के में क्यों ले रहे हैं? इसके वजह से हमारे कंपनी को ही लाभ है ना, उतना ही नहीं हम लोगों को अच्छे क्वालिटी की प्लास्टिक दे सकते हैं। देखो वरुण, हमारे स्टेट में प्लास्टिक का नाम लेते ही सबको धर्मा प्लास्टिक का याद आता है। हम जितना भी घटिया क्वालिटी के प्लास्टिक सामान लोगों को दिए तो भी लोग हमारे सामानों को ही क्यों खरीदते हैं? इसका कारण धर्मा जी का मोनोपोली है, वो उनके अलावा और किसी को आगे बढ़ने नहीं देते, और कोई आगे बढ़ने की कोशिश भी किया तो उसे क्या करना है उन्हें अच्छे से पता है, इसीलिए तुम ये सब छोड़ दो। उस रात वरुण अपने बहन श्राव्या से जो हुआ वो सब बताया। वो सुनकर श्राव्या, रे भाई तेरा बॉस का ऐसा बात करना भी हमारी भलाई के लिए ही कहकर सोचो, क्यों ना उस प्रोजेक्ट को हम ही शुरू करते हैं।
क्या बात कर रही हो? उनके मुकाबले में हम कैसे प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं? हम उतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हम एकदम से उतना बड़ा फैक्ट्री क्यों लगाएंगे भाई? हमारे दोस्तों की मदद लेकर थोड़े वॉलंटियर्स के साथ छोटा कारोबार शुरू करेंगे। उसके बाद अगर लोगों को हमारी क्वालिटी पसंद आया तो तब धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अगले दिन से श्राव या वरुण अपने दोस्तों को बुलाकर अपने आइडिया के बारे में बताए। वो सुनकर सब खुशी से तालियां मारने लगे। थोड़े दिनों के बाद वरुण उसके तैयार किए गए रिसाइकल्ड प्लास्टिक खिलौनों को बहुत कम दाम में ही बेचने लगा। उन्हें बच्चे अपने माता पिता के साथ आकर बहुत चाह से खरीदने लगे। वरुण का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। वरुण अपने प्लास्टिक के खिलौनों को दूसरे स्टेट्स में भी एक्सपोर्ट करने लगा। एक दिन वरुण के दुकान को धर्मा थोड़े गुंडों के साथ आकर, रे वरुण, तुम्हारी कितनी हिम्मत! सुना है कि मेरे मुकाबले में प्लास्टिक के खिलौनों को तैयार कर रहे हो, उसके साथ साथ उन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहे हो। देखो, अगर तुम्हें जीना है तो तुरंत ये सब छोड़ दो, नहीं तो मुझसे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ेगा। उसके बातें सुनकर सारे गांव वाले वहां पर आ गए। देखिए सर, इस देश में सबको व्यापार करने का हक है, यहाँ सिर्फ मेरी ही हुकूमत चलेगी, सबको मेरी ही बात माननी पड़ेगी कहकर अपना तानाशाही दिखाओगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर आपको मुझसे तकलीफ है तो आप भी अच्छे क्वालिटी के खिलौने बेचिए। ओ, महीने महीने मेरे आगे हाथ फैलाकर पगार मांगते थे और अब थोड़े पैसे दिखते ही से ही मुकाबला करोगे? तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कहकर अपने आदमियों से धर्मा, रे इसके दुकान में जो भी सामान है उन्हें नाश कर दो। वो सुनकर लोगों में से एक, क्यों धर्मा जी, हमारे सामने ही हमारे गांव वाले को डरा रहे हो, दुकान नाश करने की बात कर रहे हो? क्यों, तुम्हारी फैक्ट्री भी हमारे गांव में है कहकर भूल गए हो क्या? आप में से कोई एक भी खिलौने के ऊपर हाथ लगाया तो हम तुम्हारे फैक्ट्री को नाश कर देंगे। वो बातें सुनकर धर्मा से मैनेजर, सर ये इस गांव वालों को बहुत उकसा चुका है, हम यहां से चुपचाप चले गए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारी फैक्ट्री नहीं बचेगी, ये लोग हमारे फैक्ट्री को नाश कर देंगे। तब धर्मा कुछ नहीं कर सका और वहां से चले गया। उसके बाद धर्मा वरुण और उसके प्लास्टिक कंपनी के आड़े कभी नहीं आया। बाद में वरुण अपने प्लास्टिक कंपनी के ब्रांचेस हर गांव में खोलने लगा और बहुत अच्छा नाम भी कमाया।